तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो 1 मिलियन गैजेट्स। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने रियलमी 2 प्रो का फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था। करीब मैंने 50 से भी ज़्यादा फीचर्स को हाईलाइट किया है एंड वो वीडियो बहुत ही लंबा है, 30 मिनट से भी लंबा है वो वीडियो। उसका लिंक आपको आई बटन में इवन डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बट इस वीडियो में मैं कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट करने वाला हूँ, लाइक स्लो मोशन वीडियो, हाउ टू रीबूट रियलमी 2 प्रो, हाउ टू चेक रैम, हाउ टू इम्प्रूव बैटरी बैकअप, कुछ कैमरा का फीचर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे तक देखते रहो, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरा जो रियलमी 2 प्रो का वेरियंट है 4GB रैम वेरियंट है एंड 4GB रैम में से कितना जीबी रैम अवेलेबल है वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बट उसके लिए आपको डेवलपर मोड को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पर अबाउट फोन में आपको जो वर्जन है वहाँ पर आपको 7 बार टैप करना पड़ेगा। बट मेरा जो डेवलपर मोड है ऑलरेडी एक्टिव है, तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। देन यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस को ऐसे एक्टिव करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको रनिंग सर्विस नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर ही आपको जो अवेलेबल रैम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो मेरा 4GB रैम में से जो अब अवेलेबल रैम है वो है 1.6GB। इस फोन में अगर पावर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको स्लाइड डाउन टू पावर ऑफ का ऑप्शन ही मिलेगा, कोई भी रीबूट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट रीबूट का ऑप्शन भी आपको इस फोन में मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो पावर बटन है एंड जो वॉल्यूम अप बटन है उसको एक साथ प्रेस करके रखना है। अनटिल, थोड़ा सा सबर करो, मैं आपको बताता हूँ। अनटिल ये रियलमी का लोगो जब तक ये ग्लो नहीं करता तब तक आपको पावर बटन एंड जो वॉल्यूम अप बटन है उसको होल्ड करके रखना है। फिर ये फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये रिबूट हो गया है। इस फोन की कैमरा में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जेस्चर का ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड इसको ऑन करने के बाद अगर आप ऐसे हाथ उठाओगे तो ये ऑटोमेटिक फोटो ले लेगा। एंड ऐसा दो उंगली दिखाने पर नहीं होगा, आपको ऐसा 5 उंगली, मतलब जिसे हम कूल शब्द में हाई फाइव कहते हैं, ऐसा हाई फाइव दिखाना पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक फोटो ले लेगा। जब आप कैमरा को डिफाइंड डायरेक्शन पे मूव करते हो तो जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बट इसको भी आप लॉक कर सकते हो, इवन फोकस को भी आप लॉक कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको ऐसे टैप करके होल्ड करना है सो जो फोकस है वो लॉक हो जाएगा, इवन जो एक्सपोजर है वो भी लॉक हो जाएगा। सो आप देख सकते हो जो एक्सपोजर है वो लॉक हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इस फोन के कैमरा में आपको एक्सपर्ट मोड नाम का एक मोड मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर एक्सपर्ट मोड की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसका नाम है अल्ट्रा HD। इसको अगर ऑन रख के अगर आप इमेज लोगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो इमेज साइज है वो है 12.5 MB, बहुत ही लार्ज साइज इमेज है। एंड यहाँ पर जो क्वालिटी मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप जितना भी क्रॉप करोगे आपको कोई भी डिटेल की कमी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। इवन यहाँ पर अगर आप ऐसे 2x ऑप्टिकल 2x डिजिटल जूम करके भी इमेज लोगे तो भी बहुत ही शार्प क्वालिटी देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। इस फोन की डिफॉल्ट कैमरा ऐप में आपको कोई भी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट वो काम आप यहाँ से प्ले स्टोर से फुटेज कैमरा ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हो, क्योंकि फुटेज कैमरा ऐप में आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बट उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही घटिया टाइप का है। इवन प्ले स्टोर से आपको जितना भी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा का ऐप मिलता है उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही घटिया टाइप का है। बट यहाँ पर एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, फ़ोन के अंदर ही आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक 2 सेकंड का फुटेज रिकॉर्ड किया है। आपको भी ऐसा एक मोशन फुटेज रिकॉर्ड करना है, 2 सेकंड का हो और उससे भी ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यहाँ पर आपको फोटो में आना है, देन आपको वीडियो में आना है। वीडियो में आपको यहाँ पर एक एडिटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे एक स्लाइडर देखने को मिल जाएगा। इस स्लाइडर में आपको लेफ्ट में मूव करना है। आप जितना ज़्यादा स्लो करना चाहते हो आपको उतना लेफ्ट में मूव करना है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट करके डन करना है। तो चलो, वीडियो रेंडर हो गया है, अब मैं आपको स्लो मोशन वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियो इफेक्ट मिल रहा है। तो भाई, कोई भी अलग से स्लो मोशन वीडियो कैमरा डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको वीडियो एडिटर में स्लो मोशन का इफेक्ट मिल जाता है। आप जस्ट वीडियो को रिकॉर्ड करो, स्लो मोशन में एडिट करो एंड आपको स्लो मोशन आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है इस फोन में जो बैटरी बैकअप है बहुत ही कम है तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग में चेंज करके दिखाता हूँ। वो जस्ट आप फॉलो करो, आपका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैटरी में जाना है, देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्मार्ट पावर सेवर
एंड ये रिकमेंडेड है। सो मैं बताऊंगा इस ऑप्शन को आप ऑल टाइम ऑन करके रखो तो फोन ऑटोमेटिकली और स्मार्टली पावर को सेव करेगा। इवन ऊपर आपको देखने को मिलता है पावर सेविंग मोड, इसको भी आप ऑन करके रख सकते हो। सो जो बैटरी बैकअप है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, एंड मैंने ट्राई करके देखा है बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। बेसिकली जो पावर सेविंग मोड है बैकग्राउंड में जितने भी फालतू काम चलता है उसको डिसेबल कर देता है, एंड इस फोन का जो बैटरी बैकअप है वो और भी इंप्रूव कर देता है। मैंने उसको यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिला है। बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अगर आप बैकग्राउंड में कुछ चीज़ को डाउनलोड कर रहे हो तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल करके रखो, नहीं तो आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। देन ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेव पावर का ऑप्शन, एंड नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टेंटली लेन देन बैटरी, यहाँ पर आपको टैप करना है। सो आपका जो बैटरी बैकअप है वो और भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। नाउ अगर आप और भी डीपली बैटरी को सेव करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ और भी सेटिंग्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स पे मिल जाएगा। यहाँ से उन ऐप्स को सिलेक्ट करो जो आप हफ्ते में एक या दो बार और रियली यूज करते हो, लाइक जो फोटो एडिटिंग ऐप्स है उसको सिलेक्ट करो। देन यहाँ पर पावर सेवर पे जाओ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग। सो जो ऐप आप हफ्ते में एक बार या दो बार यूज़ करते हो बैकग्राउंड में चलता रहता है, सो मैं बताऊंगा आप डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग को एक्टिव कर लो उन ऐप्स के लिए। सो आपका जो बैटरी बैकअप है वो और भी इंप्रूव हो जाएगा। सो दोस्तों मैं यहाँ पर और एक एडवाइस देना चाहूँगा, दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार फोन को रिबूट करो तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो और भी इम्प्रूव हो जाएगा। गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव करने के लिए इस फोन में आपको देखने को मिलता है गेम स्पेस का ऑप्शन, एंड ये ऑप्शन गेमर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो गेम स्पेस का जो मेन फीचर्स है मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ के सुनाता हूँ, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव कर देता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गेम इंजिन इम्प्रूव्स गेमिंग परफॉर्मेंस थ्रू कस्टम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बोथ द गेम एंड योर फोन। देन आपको देखने को मिलता है स्मूथनेस ऑप्टिमाइजेशन इंटेलिजेंटली एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज फॉर अ स्मूदर गेमिंग एक्सपीरियंस। देन मिलता है नेटवर्क प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्ट नेटवर्क एक्सेस और बैकग्राउंड एप्स फॉर अ मोर स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस। देन एट लास्ट आपको देखने को मिलता है आंसर कॉल्स विथ ईज, इसका मतलब है गेमिंग के टाइम अगर आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल आता है तो बेसिकली वो एक फ्लोटिंग विंडो पे, इवन जो वीडियो कॉल आता है वो एक फ्लोटिंग विंडो पे आएगा। सो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वहाँ पर कोई भी इंटरप्शन और कोई भी बाधा क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर आपको मैनेज माई गेम्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, सो यहाँ पर आप गेम स्पेस में गेम्स को मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। इवन यहाँ पर आपको ऐड गेम्स ऑटोमेटिकली ऑप्शन भी मिल जाता है, जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी गेम इंस्टॉल करोगे यहाँ पर गेम स्पेस में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स एक्सेलरेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, सो डेफिनेटली आप जब गेम खेलते हो तो आपका जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। सो बेसिकली गेम स्पेस का जो मेन फीचर है ये आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव कर देता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जेस्चर एंड मोशन का, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको अगर आप एक्टिव करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये फीचर को आप ध्यान से देखना, ये ऑप्शन एक्टिव है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे रेज करूँगा स्क्रीन ऑन हो जाएगा, इसको रख दूंगा ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ मतलब यहाँ पर आपको ये पावर बटन को दबाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे फ़ोन फ्लैट सरफेस पे इसको आप रेज करोगे ये ऑन हो जाएगा, रख दोगे ऑफ हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक फीचर है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑप्शन में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है, अगर आप 3 फिंगर स्वाइप करके स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मतलब आपको पेज में जो कुछ भी देखने को मिलेगा वो आप बस स्क्रॉल करके पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन आपको यहाँ पर बस डन करना है। सो आप देख सकते हो एक पैनोरामा की तरफ वर्क करता है, यहाँ पर आपको पूरा स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। तो अब ऊपर की तरफ देखा जाता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, इसको एक्टिव करने पर यहाँ पर आपको बहुत सारे जेस्चर्स ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पे आप ऐसे डबल टैप करोगे ये टर्न ऑन हो जाएगा, फिर डबल टैप करोगे ये क्लोज हो जाएगा। देन जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ ओ टू स्टार्ट कैमरा, अब यहाँ पर आपको जस्ट ओ ड्रॉ करना है ऐसे, एंड ये कैमरा ऑन हो जाएगा। देन आपको देखने को मिलता है ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश, तो यहाँ पर इसको एक्टिव करना है, एंड यहाँ पर मैं वी ड्रॉ करूँगा, एंड आप देख सकते हो फ्लैश ऑन हो गया।
अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन एंड ये जेस्चर कभी कभार ठीक से काम करते हैं, कभी कभार ठीक से काम नहीं करता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दो फिंगर से ऐसे स्वाइप करना पड़ेगा एंड म्यूजिक चालू हो जाएगा। एंड अगर आपको प्रीवियस म्यूजिक पे जाना है तो आपको ऐसे लेफ्ट एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, ये प्रीवियस म्यूजिक पे चला जाएगा। फिर और भी प्रीवियस म्यूजिक पे जाना है तो आपको फिर से ऐसे लेफ्ट एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। देन अगर आपको नेक्स्ट म्यूजिक पे आना है देन आपको ऐसे राइट एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड नाउ अगर आपको म्यूजिक को पॉज करना है देन आपको फिर से ऐसे दो उंगली से स्वाइप करना पड़ेगा एंड ये म्यूजिक पॉज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी ऑप्शन एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट मैं उन सब फीचर्स को हाईलाइट करूंगा जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। बेसिकली जो ऐप्स आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने का कोशिश करता है उन ऐप्स को आप बेसिकली एम्प्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोटेक्ट कॉल हिस्ट्री, प्रोटेक्ट कॉन्टैक्ट्स, प्रोटेक्ट मैसेजेस एंड प्रोटेक्ट इवेंट्स। बेसिकली यहाँ पर आपको अंदर जाना है एंड जिन ऐप को आप एम्प्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो बस उसको एनेबल करना है। चलो इसका जो फेस अनलॉक है हम टेस्ट करते हैं। तो चलो मैं इस घर में जितना भी लाइट है सबको ऑफ कर देता हूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा कैसा है इसका फेस अनलॉक। तो आप देख सकते हो रूम में जितना भी लाइट था मैंने ऑफ कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ आपको कंप्यूटर डिस्प्ले का लाइट ही देखने को मिल रहा है। तो चलो मैं यहाँ पर डबल टैप करके डिस्प्ले को वेक करके देखता हूँ कैसा है इसका फेस अनलॉक। देखो फटाक से ओपन हो गया, ये ऑटोमेटिकली जो डिस्प्ले इसको ब्राइटन अप कर देता है एंड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले को अनलॉक कर देता है, मतलब फटाक से डिस्प्ले को अनलॉक कर देता है। फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डबल टैप किया डिस्प्ले ब्राइटन अप हो गया, ये अनलॉक हो गया। सो दोस्तों यही था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स वाला एक शॉर्ट वीडियो, बट अगर आपको फुल फीचर्स ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वाला वो लॉन्ग वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे इवन डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि आपको मिलने वाला इस चैनल से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज। एंड इस चैनल में रियलमी 2 प्रो वर्सेस और एक फोन कैमरा का कंपेरिजन वीडियो आएगा जो अब मैं रिवील नहीं करूंगा, शायद आपको ट्यूजडे और वेडनेसडे को मिल जाएगा वो वीडियो। तो उसी लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज के लिए इतने दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।